कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों से गुज़िश्ता अदवार में छीनी गई जो गाड़ियां और मोटरसाइकिलें थी उसकी बड़ी तादाद जो है वो रिकवर की है। आज एसएसपी एवीएलसी हैं कलीम मलिक, उन्होंने जो है वो मिलने वाली गाड़ियां उनके मालकान के हवाले की। उनकी तरफ से ये बताया गया है कि जो गाड़ियाँ कराची के मुख्तलिफ इलाकों से रिकवर की गई हैं उनकी तादाद जो है वो 99 है, जिसमें वाटर टैंकर्स और कोस्टर के साथ साथ जो है वो दीगर फोर व्हील गाड़ियां जो है वो भी यहां पर मौजूद है। मैं आपको दिखाऊं कि ये इतनी बड़ी तादाद है जो कि गाड़ियों की यहां पर रिकवर हुई है। आप देख सकते हैं कि इसमें बड़ी लग्जरी गाड़ियों से लेकर जो है वो छोटी गाड़ी तक यहां पे तमाम ही अकसाम की गाड़ियां जो है वो रिकवर की गई हैं। इसके साथ साथ जो है वो 200 से जायद तकरीबन 215 मोटरसाइकिलें बताई जा रही हैं जो कि कराची के शहरियों की मुख्तलिफ इलाकों से छीनी गई थी वो भी रिकवर की गई। रिकवर होने वाली तमाम ही मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ जो है वो आज मालकान के हवाले कर दी। इसमें जो है वो एक अच्छी बात जो है वो पुलिस की तरफ से ये देखी जा रही है कि जब हमारी इनके गाड़ियों के मालकान से बात हुई तो कोर्ट का जो प्रोसीजर है, जो कोर्ट में जो है कानूनी कार्रवाई अदालती कार्रवाई होती है वो भी जो है वो एवीएलसी ने खुद मुकम्मल कराई है। लेकिन एक बात ये देखी गई शहरियों की तरफ से जो है वो उन्होंने ये बताया कि जिनको गाड़ियाँ मिली हैं तो जिस हालत में गाड़ी गई थी उस हालत में जो है वो नहीं मिली। किसी के टायर गायब कर दिए गए थे, किसी की सीएनजी किट जो है वो गायब कर दी गई थी। तो लिहाजा जो है वो शहरियों से ये कहा गया कि आपकी गाड़ी में जो है वो एक ये सीएनजी किट जो है वो गायब की गई है, किसी की गाड़ी में से टायर गायब कर दिए गए थे तो उन्हें जो है वो बताया गया पहले कि आपकी गाड़ी से जो है वो ये चीज़ मिसिंग है, लिहाजा आप इसका बंदोबस्त करके यहाँ आए और फिर यहाँ पे आके दुरुस्त हालत में उस गाड़ी को असम्बल करके फिर जो है वो शहरियों को फराहम की गई है। शहरियों ने जो है वो अपनी गाड़ियाँ छीनी हुई और चोरी हुई भी जो वापस मिलने पर जो है वो काफ़ी मुसर्रत का इजहार किया और एवीएलसी का भी शुक्रिया अदा किया है। Thank you.